दोस्तों, यहाँ आपके लिए एक बड़ा नया सब्जेक्ट और ख़ास तौर पे वेट मशीन से आमतौर पे हो जाता है। और वो ये है कि भी जैसे अब यहाँ वेट पड़ेगा, ये वेइंग सिस्टम यहाँ होता है। आप काफ़ी लोग जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है जिसका डिस्प्ले यहाँ भी होता है और पीछे भी होता है, तो फ्रंट बैक डिस्प्ले बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्ले आ रहा है। लेकिन अब यहाँ डिफेक्ट कौन सा हम समझने वाले हैं, वो है डिस्प्ले ठीक का ना आना, डिस्प्ले का ठीक ना आना। ये अब 0.000 होना चाहिए जबकि ये डिस्प्ले ठीक नहीं दिख रहा है। अब ये कितना वेट है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना है, पॉइंट नंबर वन, कि ये डिस्प्ले प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है या पीछे भी है, मतलब दोनों तरफ है या सिर्फ एक तरफ है। तो यहाँ हम देखेंगे पीछे वाले पोर्शन में, यहाँ भी वही डिफेक्ट आ रहा है जो सामने आ रहा है। तो यहाँ भी और यहाँ भी सेम डिफेक्ट है। अगर सिर्फ सामने है तो सामने वाले डिस्प्ले को ठीक करने की जरूरत पड़ती है, पीछे भी पीछे वाला सिर्फ है तो पीछे वाले को ठीक करने की जरूरत पड़ती है, दोनों तरफ है तो अब हमने इसको कैसे हैंडल करना है ये देखने की जरूरत है। हमने मशीन आपके टाइम सेविंग के लिए पहले से खोल रखी है और इसको खोलते हैं हम, तो अंदर देखते हैं ये एक डिस्प्ले इधर है फ्रंट वाला और बैक डिस्प्ले इधर है, दोनों डिस्प्ले पे प्रॉब्लम है। ये डिस्प्ले का जो सिंगल जॉइंट है बीच वाला सेंटर जॉइंट जो है वो मेन पीसीबी कार्ड के ऊपर लगा हुआ है जहाँ से डिस्प्ले दोनों तरफ दिखाई देता है। तो हमने इसको सबसे पहले चेक करना है कि ये डिस्प्ले पॉइंट कहीं लूज तो नहीं है। तो इसको हम चेक करने के साथ साथ थोड़ा सा इसको क्लियर भी करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा साफ़ कर देंगे ताकि कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह इसको कहीं डिस्टर्ब ना कर रही हो। चलिए, तो इसके बाद हमने इस पॉइंट को ही दोबारा से अच्छे से इसको टाइट करके लगा के देखना है कि क्या अब डिस्प्ले ठीक आता है। चलिए, हमने इसको ठीक से लगा के देख लिया, ये देख लिया, यहाँ पूरा डिस्प्ले ठीक आ गया है 0.000, और यही डिस्प्ले पॉइंट यहाँ भी ठीक हो गया है। तो यहाँ दोनों तरफ ठीक हो गया है, इसका मतलब सेंट्रल पॉइंट हमने वो जो लूज था वो हमने यहाँ टाइट कर दिया है ताकि डिस्प्ले दोनों तरफ जाए और दोनों तरफ डिस्प्ले ठीक से आए। सो ये है डिफेक्ट इसका चेक करने का, डिस्प्ले ठीक करने के लिए। तो आपको समझ में आई गई होगी तो कैसे डिस्प्ले को समझना है प्रॉब्लम को और कहाँ उसकी जड़ है, कहाँ उसका रूट कॉज है, वो हमने पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो चाहे छोटी थी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब डिस्प्ले नहीं ठीक नज़र आएगा तो वेट कौन करेगा और वेट कैसे समझ में आएगा। तो इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए हो, किसी भी और प्रॉब्लम पे जो आपसे ना सॉल्व हो रही हो या कभी आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसी पे हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बना के आपको ज़रूर सर्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।